बिहार से रोंगटे खड़े कर देने वाली आ रही तस्वीर। बिहार में गंगा, गंडक और कोसी ने मचाई तबाही। मॉनसून जाते जाते मचा रहा तबाही। बिहार से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए। देखा आपने, बिहार में कोसी और गंडक नदी ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीर उस वक्त भी आपको देखने को नहीं मिली थी जब मॉनसून चल रहा था। कहने को मॉनसून खत्म होने को है, लेकिन मॉनसून जाते जाते किस तरह से तबाही मचा रहा है वह आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। बाढ़ से बिहार के कई जिले प्रभावित। बाढ़ के खौफ से ग्रामीणों को छोड़ना पड़ा अपना घर। कोसी और गंडक नदी बनी जिलों के लिए अभिशाप। जो तस्वीरें बिहार से आ रही हैं, यह किसी एक जिले की नहीं है बल्कि कई जिलों की है जहां की स्थिति काफी भयावह है। कई ग्रामीण अपना गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं, तो कई लोग अभी भी गांव में फंसे हुए हैं। कोसी नदी का जो पानी छोड़ा गया है, वो पानी का विकराल रूप आप देख रहे हैं। यहाँ सरकार के तरफ से कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बांध के भीतर जो लोग हैं, वो बांध के भीतर ही फंसे हुए हैं। बाहर के लोग सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। सबों को डर है कि घर कब कट के हमारा कोसी में चला जाएगा। ये कहने वाला कोई नहीं है, ना कोई देखने वाला है। ग्रामीणों के घरों में पानी घुस चुका है, कई घर जमींदोज हो चुके हैं। वहीं कई किसानों की फसल कई बीघा नष्ट हो चुकी है। थाने और अस्पताल में पानी घुस चुका है। कोसी और गंडक नदी बनी जिलों के लिए अभिशाप। सरकार कर रही बाढ़ से निपटने की हर मुमकिन कोशिश। कोसी और गंडक नदी में आई बाढ़ कई जिलों के लिए अभिशाप बन रही है। ऐसे में कई लोग बाढ़ के पानी से काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं बिहार सरकार भी बाढ़ को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुकी है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ में फंसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। कोसी नदी का जो पानी छोड़ा गया है, वो पानी का विकराल रूप आप देख रहे हैं। यहाँ सरकार के तरफ से कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बांध के भीतर जो लोग हैं, वो बांध के भीतर ही फंसे हुए हैं। बाहर के लोग सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। सबों को डर है कि घर कब कट के हमारा कोसी में चला जाएगा। ये कहने वाला कोई नहीं है, ना कोई देखने वाला है। सरकार के तरफ से अभी तक कहीं से कोई हम लोगों को सुविधा नहीं मिली है, इन लोगों का ये कहना है। कोसी और गंडक नदी ही नहीं बल्कि गंगा नदी ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर रखा है। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो नई नहीं है। जब जब नेपाल में ज्यादा बारिश होती है और वहां से पानी छोड़ा जाता है, उसका असर बिहार में पड़ता ही है। हम लोग सहमे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कोसी के धारा को देख करके। कोसी के किनारे में पश्चिम पूर्व दिशा में जितने भी ब्लॉक के लोग बढ़ते हैं, मैसी और नहटा डिबरा जो कहीं भी लोग, सारे लोग एकदम कोई सोते नहीं हैं। एक तो अंदर का फसल भी बर्बाद हो गया, इधर भी जीवन यापन जो सबका एकदम से अंधेरे में एकदम से लगा हुआ है हमेशा। सर ये हुआ जो कि आज 3 रोज पहले हम लोग को अलर्ट किया गया था कि बैरेज से पानी खुलेगा, 7 लाख पानी लगभग आने वाला है। हम लोग सोचे सब व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जब एकाएक पानी आया तो हम लोग का कंडीशन गड़बड़ा गया, हर एक घर में पानी चला गया। जब सुबह में हम लोग उठे हैं तो देख रहे हैं जो कि पानी का सिचुएशन बांध से इस पार से उस पार हो रहा है। हम लोग हल्ला भी किए, 1-1.5 घंटा के बाद जो है कोसी प्रोजेक्ट का पदाधिकारी आया, रिमांड पे देखा, 15-20 बोरा यहाँ दे दिया, 15-20 आगे दिया है। ये पुराना वाला बांध है पहाड़पुर, ये सटले हो गया है नया बांध। अगर इस ये टूटता है या अगर कोई तरह का परेशानी होता है, नया बांध को टूटने में 15-20 मिनट लगेगा। फिर कितना जिला को लपेट लेगा पानी में, प्रवाह कर लेगा उसको भी।
फिलहाल बिहार के बाढ़ ने एक बार फिर से सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इसी तरह बाढ़ आता रहा तो बिहार राज्य की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए सरकार को अब एक मजबूत कदम उठाने की जरूरत है ताकि बिहार में बाढ़ से निपटा जा सके। बिहार से एसके राजीव की रिपोर्ट।